पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, दिल्ली के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली, दूर की वैक्सीन से जुड़ी हर आशंका। पीएम को कोरोना टीका लगाते वक्त दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद, वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक एम्स में रहे पीएम। पीएम मोदी को पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेता ने लगाया कोरोना का टीका, साथ में मौजूद थी केरल की एक और नर्स रोसम्मा अनिल। आज पता चला कि सर आ रहे, सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। एम्स जाने के लिए नहीं लगा था पीएम का रूट, लोगों को नहीं हुई कोई दिक्कत। पीएम ने पहन रखा था असम का गमछा, असम की महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक होता है ये गमछा। वैक्सीन का टीका विकसित करने के हर कदम पर पीएम मोदी की नजर, जल्द टीका लगाने की कोशिश। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया ट्वीट, कहा खुशी की बात है कि पीएम ने लगवाया टीका, इससे लोगों की हिचक होगी दूर। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया ट्वीट, पीएम की टीका लगवाने की तस्वीर भरोसा जगाने वाली, केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले नेता वही जो आगे बढ़कर राह दिखाए। दिल्ली के मैक्स अस्पताल से भी टीकाकरण शुरू, रजिस्ट्रेशन का किया गया इंतजाम। भोपाल में 85 साल के बुजुर्ग को लगा टीका, स्वास्थ्य मंत्री खुद व्हील चेयर पर बुजुर्ग को लेकर पहुंचे अस्पताल। मुंबई में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, काफी तादाद में टीका लगवाने आए बुजुर्ग। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की पत्नी ने भी लगवाई वैक्सीन, अपोलो अस्पताल में लगवाया टीका। दिल्ली और मुंबई में सुबह धीमी रही कोविन ऐप की रफ्तार, रजिस्ट्रेशन में हुई दिक्कत। बिहार विधानसभा में वैक्सीनेशन के लिए आज से विशेष कैंप, विधायकों पार्षदों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगवाएंगे दोपहर 1 बजे टीका, पटना के अस्पताल में करेंगे तीसरे चरण का शुभारंभ। बिहार में निजी अस्पतालों में टीकाकरण की कीमत भी सरकार देगी, बिहार में हर शख्स को लगेगा फ्री टीका। एक बार फिर देश का कोरोना ग्राफ ऊपर भागा, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस, फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अलीगढ़ में कोरोना काल में बंद दिल्ली ईएमयू फिर शुरू, मुसाफिरों को हुई सहूलियत। मेरठ में खुले छोटे बच्चों के स्कूल, जोश के बीच हुआ बच्चों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में आज खुल गए प्राइमरी स्कूल, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल में कोविड नियमों का पालन जरूरी। ओडिशा के संबलपुर में 25 इंजीनियर छात्र कोरोना पीड़ित, यूनिवर्सिटी को किया गया बंद, हॉस्टल कंटेनमेंट जोन घोषित। महाराष्ट्र के बारामती में स्कूल से कोरोना का खौफ, एक साथ 12 छात्र पॉजिटिव। पटना में मनाया नीतीश कुमार का 70वां जन्मदिन, विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन, गरीबों को बांटे गए फल और दूध। तेजस्वी यादव ने नीतीश को दी जन्मदिन की बधाई, कहा आपके स्वास्थ्य सुख और दीर्घायु जीवन की कामना। प्रियंका गांधी आज असम के 2 दिवसीय दौरे पर, कामाख्या मंदिर में करेंगी पूजा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। रुद्रपुर में आज राकेश चकेती किसान महापंचायत, बिजनौर में बुलेल, बड़ी कंपनियां करना चाहती हैं भूख का कारोबार। आंध्र के चित्तूर में तनाव, बिना पुलिस की इजाजत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रैली करने पर अड़े चंद्रबाबू नायडू। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से तेजस्वी यादव करेंगे मुलाकात, चुनाव में देंगे समर्थन। कोलकाता में बीजेपी ने बुजुर्ग महिला की पिटाई को लेकर लगाए पोस्टर, पूछा क्या वो बंगाल की बेटी नहीं। बंगाल के उत्तरी 24 परगना में बुजुर्ग महिला पर हमले को लेकर गरमाई सियासत, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा इस बार टीएमसी के अत्याचार से मुक्त होगा बंगाल। आरोपों पर टीएमसी का पलटवार, ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा घरेलू हिंसा की शिकार बुजुर्ग को बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। हावड़ा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की चुनावी सभा, बोले सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, जल्द भतीजा जाएगा जेल। सीताराम येचुरी का ममता के खिलाफ बड़ा आरोप, बोले बहुमत नहीं मिला तो सत्ता के लिए बीजेपी से भी कर लेंगी तालमेल। कांग्रेस लेफ्ट के साथ बंगाल की लड़ाई में कूदे फुलपुरा शरीफ के अब्बास सदगी, कोलकाता में विशाल रैली में हुए शामिल।
बंगाल के कोयला घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य आरोपी ने अनूप मांझी ने दायर की है याचिका। तमिलनाडु पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले जलीकट्टू मुद्दे पर कांग्रेस के पाखंड को नहीं भूलना चाहिए। पुडुचेरी के कराईकल की चुनावी सभा में शाह का राहुल परिवार, कहा क्या लोग ऐसा नेता चाहते हैं जिसे नहीं पता कि 2019 में ही बना था मत्स्य विभाग। तमिलनाडु में चुनावी घमासान के बीच मुख्यमंत्री पलानी सामी और डिप्टी सीएम पनीर सेल्वम से मिले अमित शाह। तिरुनेलवेली में राहुल गांधी की रैली, कहा प्रधानमंत्री रिमोट से चाहते हैं राज्य पर कंट्रोल, जनता छीनेगी उसका रिमोट। तिरुनेलवेली में सड़क किनारे राहुल गांधी ने लिया चाय का लुत्फ, स्टॉल के मालिक की तारीफ की। 2022 के लिए यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से कसी कमर, वाराणसी में नई पार्टी कार्यालय का उद्घाटन, सीएम योगी और नड्डा हुए शामिल। बीजेपी की बैठक के बाद नड्डा ने कहा आज कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टियां कर रही हैं वंशवाद की राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अगले 25 साल में एसपी और बीएसपी के लिए कोई जगह नहीं, अखिलेश देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चखा बनारसी गोलगप्पे का स्वाद, संगठन स्तर की बैठक में शामिल। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी की फिर की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री से लें सबक, पीएम बनने के बाद भी अपनी जड़ें नहीं भूले। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से ना कुछ भी नीता बर्तन माजता था, चाहे सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ है, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक सेहत सही करने की मांग की, कहा विकास के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने जताई सियासी चाहत, बोले देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी। पंजाब कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ आज चंडीगढ़ में प्रदर्शन, पार्टी ने G23 नेताओं को इसमें शामिल होने का दिया न्योता। गुजरात के दाहोद में आज दोबारा होगा स्थानीय चुनाव, कड़ी सुरक्षा का रहेगा इंतजाम। गुजरात के विरमगांव नगर पालिका चुनाव में पोलिंग बूथ के बाहर मारपीट, आपस में भिड़े बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार। हिसार में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, 2 घंटे खड़े होकर जताया विरोध। एजेपी की इकलौती एमएलसी नूतन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पार्टी टूटने के सवाल पर भड़के चिराग पासवान, कहा पार्टी में कोई टूट नहीं। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का अजीबोगरीब बयान, कहा कल तक 2000 कमाने वाला आज 2 लाख रुपए कमा रहा है, अगर कमाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। रुद्रपुर में आज किसान महापंचायत, राकेश टिकैत समेत तमाम नेता करेंगे शिरकत। दिल्ली के आदर्श नगर मर्डर केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर चाकू मारकर की महिला की हत्या। गाजियाबाद के मुरादनगर में तांत्रिक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा, पत्नी के साथ रेप की कोशिश से नाराज आरोपी ने ली जान। ग्रेटर नोएडा में रेकी कर नए मॉडल की कारों पर हाथ साफ करने वालों पर शिकंजा, गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में एक स्कूल के ग्राउंड में धमाका, 1 बच्चे की मौत, 2 जख्मी। लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का खुलासा, 2 किलो हेरोइन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 35 लाख कैश और सोने चांदी के साथ 2 लोगों को पकड़ा, वारदात के बाद भागते समय गिरफ्तारी। अलीगढ़ में चारा लाने खेत गई नाबालिग की लाश मिलने से हड़कंप, जांच के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित। कानपुर देहात में एक शख्स ने मकान पत्नी और 2 मासूम बेटियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, 1 की मौत, भागते समय खुद ट्रक से टकराया। महोबा से अवैध रूप से बनाई जा रही इमारत की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 3 की मौत। गुजरात की अरावली में डंपर से टकराकर क्रेटा कार शोलों में तब्दील हुई, इसमें सवार डॉक्टर दंपति और 2 अन्य लोगों की मौत। होशियारपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद सास ससुर को भी किया जख्मी, लोगों ने जमकर की पिटाई। मुक्तसर में अफीम तस्करी का पर्दाफाश, एक नाबालिग बच्चे को 1 किलो अफीम के साथ पुलिस ने पकड़ा।
ग्रेटर नोएडा में अवैध मांस मामले में एक की गिरफ्तारी, पुलिस ने बरामद किए रस्सी और हथियार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पटवारी से गाली गलौज करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस।